आई डों थिंक इट्स गन अपर ऑफ फाइव जी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री वुड प्रॉबेबली बी द ईयर ऑफ फाइव जी तो मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े रिसेंटली एंड फाइव जी का जो बैंड ऑप्शन है बेसिकली फाइव जी नेटवर्क आने से पहले उसके बैंड्स का ऑप्शन होना पड़ेगा एंड उसके बाद सारे जो नेटवर्क है वो डिप्लॉय करेंगे फाइव जी तो जो बैंड का ऑप्शन है दैट इज गपन इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी टू सो बेसिकली अप्रैल से जून के बीच में ये ऑप्शन होने वाला है तो प्रोवाइडेड कि यह डीले नहीं होता है तो मे के आसपास बैंड का ऑप्शन होगा एंड उसके बाद सारी डिप्लॉयमेंट की प्रोसेस चालू हो तो उसको छह महीना भी लग सकता है एक साल भी लग सकता है एक नेटवर्क का शायद जल्दी आ जाए दूसरे नेटवर्क का बाद में आए तो डेफिनेटली आई फील कि एंड ऑफ 2022 या फिर अर्ली 2023 तक आपको 5G देखने नहीं मिलने वाला है सो ऑब्वियसली द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर आप 2022 में फोन खरीद रहे हो तो क्या आपको 5G वाला लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए अब इसमें तो अलग अलग पार्ट है सबसे सिंपल पार्ट अगर आप फ्लैगशिप फोन खरीद रहे हो या बीस से पच्चीस रुपए के ऊपर वाला फोन खरीद रहे हो तो बाई डिफॉल्ट अब ये सेगमेंट में सारे फोन फाइव आ रहे हैं तो आई डोंट थिंक यू हैव एनी डाउट्स अबाउट दैट प्लस ये जो सेगमेंट वाले लोग हैं वो एटलीस्ट तीन साल तो उनका फोन यूज करते ही है मिनिमम तीन साल या फिर कुछ कुछ लोग तो चार साल भी यूज़ करते हैं अगर आईफोन होगा तो तो फॉर देम इट मेक सेंस टू गेट अ फाइव जी फोन बिकॉज नेक्स्ट तीन साल में तो ईजीली फाइव जी आने वाला है इंडिया में बट अगर आप मिड रेंज की बात करोगे स्पेशली 10 से बीस हजार रुपये के बीच का जो प्राइस सेगमेंट है यहाँ पे अभी भी काफी सारे 4G जी फोन ऐसे हैं जो ज़्यादा वैल्यू ऑफर करते हैं कम्पेयर टू फाइव जी फोन फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पोको एक्स थ्री प्रो की बात करूँ रेडमी नोट टेन प्रो प्रो मैक्स की बात करूँ तो ये जो फोर जी फोन है दे ऑफर मोर वैल्यू देन सम फाइव जी फोन्स लाइक रेडमी नोट इलेवन या फिर और भी मतलब रिसेंटली फाइव जी फोन आए मोटो जी ये वो तो प्रॉबेबली वो फाइव जी के कंपेरिजन में अभी भी ये फोर जी आपको बेटर वैल्यू ऑफर करते हैं तो इन दैट केस आई फील यू शुड स्टिल गो विध फोर जी फोन बिकॉज ये जो सेगमेंट के फोन है यूजली लोग डेढ़ दो साल यूज करते हैं एंड उसके बाद बदलते हैं तो उतने टाइम तक तो प्रॉबेबली फाइव जी आने नहीं वाला है शायद आ भी जाएगा तो आपका फोन पुराना हो जाएगा अगर आप अभी वाला फाइव जी फोन लोगे और अगर आपका करंट जो भी फोन है वो एकदम बढ़िया चल रहा है अच्छे से चल रहा है तो आई डोंट थिंक कि आपको उसे बेच के अननेसेसरली फाइव जी फोन खरीदना चाहिए एक बार फाइव जी को आ जाने दो उसके बाद डिसाइड करो बिकॉज उसमें भी काफी सारे वेरिएबल्स हैं सबसे

अरे यार क्या मस्त स्पीड है इसमें बट एक्चुअल में व्हाट्सएप यूज करने में गूगल ड्राइव यूज करने में नॉर्मल इंस्टाग्राम फेसबुक यूज करने में मुझे फोर नेटवर्क से ऐसा कुछ अलग नहीं लगा प्लस अगर आप मेरे जैसे हो जो ज्यादा टाइम इंडोर स्पेंड करते हैं वाईफाई के साथ ज्यादा आप मोबाइल डेटा यूज नहीं करते तो वंस अगेन वो 5G का जो अट्रैक्शन है वो और थोड़ा कम हो जाएगा बिकॉज आपका जो परसेंटेज है मोबाइल डेटा यूज करने का वो ऑलरेडी काफी कम है अनलेस अगर आप ट्रैवल बहुत करते हो या आप बार बार यू एस यूके ऐसी कोई कंट्री में जा रहे हो जहां पे फाइव आपको रेगुलरली मिलता है तो इन दैट केस यू कैन कंसिडर अ फाइव फोन बट देन वंस अगेन अभी के जो फाइव जी फोन उनमें बैंड का सीन है वन के कुछ फोन में खाली एक दो बैंड है सेम विद आईकू शाओमी तो वो सारी बहुत सारी चीज है तो एक बार पहले फाइव एक्चुअली इंडिया में लॉन्च

एक एरिया में एक मिलियन लोग हैं फोर 4G नेटवर्क पे है, तो उनका शायद नेटवर्क अफेक्ट होगा स्पीड एक मिलियन में फाइव जी नेटवर्क पराम मोबाइल डेटा पे तो तो ब्राउज करते हो तो आई डोंट थिंक आपको उतना मेजर डिफरेंस देखने मिलेगा अगर आप बड़ी बड़ी फाइल्स मूवीज डाउनलोड करते हो इन दैट केस यू वुड फाइंड 5G जी टू बी फास्टर अलॉट फास्टर जी दैट्स ऑल आई वॉन्टेड टू क्लैरिफाई बिकॉज आई फील नया साल आ रहा है वापस ब्रांड्स फाइव जी का गेम खेलने वाली है तो बहुत लोगों को इसका डाउट आएगा सो आई होप कि दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो वापस टेक कॉन्टेंट आ रहा है चैनल पर रेगुलरली काफी सारी चीजें कवर करने के लिए पिक्सल सिक्स आईफोन थर्टी प्रो उसके अलावा मैंने रिसेंटली आईपैड यूज करना चालू किया है की बोर्ड और या एप्पल पेंसिल के साथ काफी मस्त एक्सपीरियंस है तो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा सो स्टून फॉर ऑल द कूल कॉन्टेंट दैट इज कमिंग वेरी सुन ऑल्सो आप मुझे बताना कि क्या मैं मोटो G51 5G खरीदूं या फिर नहीं काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है वो फोन वन सेकेंड 5G का गेम खेल रहा है मोटो तो मी नो उसके वीडियोस आपको देखने या फिर नहीं देखने थैंक यू फॉर वाचिंग और मैं आपके नोटिफिकेशंस में जल्दी वापस आऊंगा